हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर ऑडिटिंग के ऊपर। आज का वीडियो है टेस्ट चेकिंग के ऊपर। क्या होता है टेस्ट चेकिंग, क्या होते हैं उसके एडवांटेजेस और क्या होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले समझते हैं टेस्ट चेकिंग का मीनिंग और उसके बाद प्रेजेंटेशन में समझेंगे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। टेस्ट चेकिंग का मतलब होता है जब ट्रांजेक्शन्स इतने सारे होते हैं, जैसे रिलायंस है, L&T है, टाटा है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, उसमें करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं। तो क्या एक ऑडिटर करोड़ों ट्रांजेक्शन चेक कर सकता है? अगर वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन चेक करने जाएगा तो वो काम ख़त्म ही नहीं कर पाएगा, और अगर ख़त्म कर भी लिया तो उसकी एफिशिएंसी इतनी सही रहेगी नहीं कि वो सही डिसीजन ले सके। तो इसलिए जब इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑडिटर टू चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, इट इज़ नॉट फिजिबल एज वेल। तो वो क्या करता है, कुछ ट्रांजेक्शन्स को सब सैंपल्स, मतलब कुछ सैम्पलिंग निकाल लेता है। मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि टेस्ट चेकिंग एक तरह से सैम्पलिंग ही होती है। तो वो क्या करेगा, सब में से थोड़े थोड़े सैंपल्स ले लेगा साइंटिफिक और प्रोबेबिलिटी बेसिस पे, ऑफकोर्स साइंटिफिक बेसिस पे और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। वो क्या करता है, कुछ सैंपल्स ले लेता है और उन सैंपल्स को वो चेक करता है, और पर वो उसको सैंपल्स को थरोली चेक करेगा, दैट इज फ्रॉम द इनिशियल लेवल टिल इट्स कंक्लूजन। दैट इज कोई ट्रांजेक्शन लिया है तो उसके स्टार्टिंग स्टेज से, जैसे वो ट्रांजेक्शन कब से स्टार्ट हुआ था वहाँ से लेके वो कहाँ पे ख़त्म हुआ है, वो हर एक चीज़ डीप में चेक कर लेगा, जिसको ऑडिटिंग इन डेप्थ भी बोलते हैं। तो कुछ ही ट्रांजेक्शन चेक करेगा लेकिन डीप में चेक करेगा, और उसी बेसिस पे वो सारे के सारे बिजनेस का अपने ओपिनियन देगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्ट चेकिंग। ऑफकोर्स कुछ एडवांटेजेस होते हैं टेस्ट चेकिंग के, जैसे बहुत टाइम बच जाता है, एनर्जी बच जाती है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। उससे पहले एक बार फॉर्मल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। दिख रहा होगा अभी आपको टेस्ट चेकिंग की डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग का मतलब मैंने आपको समझाया, सैम्पलिंग ही होता है एक तरह से। जब सारे ट्रांजेक्शन चेक करना पॉसिबल नहीं होता है तो हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन चेक करते हैं। तो वो लिखा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन लार्ज बिजनेस, इंस्टेड ऑडिटर चेक सम सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन। दिख रहा है, कुछ सिलेक्शन ट्रांजेक्शन चेक करते हैं, दिस इज कॉल्ड टेस्ट चेकिंग और सैम्पलिंग। दिख रहा है, सैम्पल चेकिंग भी बोलते हैं इसको, क्लियर है। तो मैंने आपको बताया कि सारे ट्रांजेक्शन जब चेक करना पॉसिबल नहीं होते बड़े बड़े बिजनेस में, तो वो क्या करता है, टेस्ट चेकिंग करता है। ऑफकोर्स वो बाद में ये नहीं बोल सकता कि क्योंकि मैंने टेस्ट चेकिंग किया है इसकी वजह से मैंने ये नहीं, मतलब मेरे एरर्स एंड फ्रॉड्स अनडिटेक्टेड रह गए, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन फिजिबल सॉल्यूशन यही है, बड़े बड़े बिजनेस में ऐसा ही होता है। चलिए अब समझते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। ये दिख रहा होगा एडवांटेजेस, पहला, इट सेव्स टाइम एनर्जी एंड कॉस्ट। मैंने आपको बताया था बहुत सारा टाइम एनर्जी बच जाता है, कॉस्ट भी बच जाता है क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन चेक नहीं कर पड़ते। दूसरा, इट इज़ यूजफुल व्हेन द ट्रांजेक्शन प्रॉम्प्टली एंड इंटेलिजेंटली। अगर आपने जो सैंपल्स सिलेक्ट किए हैं वो इंटेलिजेंटली सिलेक्ट किए हैं, प्रॉपरली सिलेक्ट किए हैं, तो ये बहुत यूजफुल मेथड है। तीसरा, इट रिड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल चेकिंग। बहुत सारा टाइम बच जाता है इसकी वजह से, पूरा काम एक्सपीडिशियस मैनर में, एक्सपीडिशियस मैनर मतलब एक्सपर्ट मैनर में हम लोग काम ख़त्म कर सकते हैं। और लास्ट, द ऑडिटर कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑडिट। ज़्यादा चीज़ हम लोग चेक कर सकते हैं। ये ऐसा ही हो गया कि एक ही चीज़ बहुत सारा, एक ही चीज़ के अंदर सारे ट्रांजेक्शन चेक करूँ, या उससे अच्छा है कि बहुत सारी चीज़ों में थोड़े थोड़े ट्रांजेक्शन चेक करूँ। तो इससे क्या होता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑडिट्स। नंबर ऑफ ऑडिट्स हम लोग, जो स्कोप होता है, हम लोग इसको बोल सकते हैं स्कोप, हम लोग स्कोप ऑफ ऑडिट को वाइडन कर सकते हैं। क्लियर, ये थे चार एडवांटेजेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। ये आपको दिख रहा है डिसएडवांटेज, पहला, ये एक इनकम्प्लीट चेकिंग है। मैंने आपको बताया सारे ट्रांजैक्शन चेक नहीं करे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनकम्प्लीट चेकिंग है। सिंपल है, क्या है, एक इनकम्प्लीट चेकिंग है। दूसरा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट चेकिंग है इसकी वजह से चांसेस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स बढ़ जाते हैं, कि हम लोग को सारे एरर्स एंड फ्रॉड्स नहीं मिल पाते हैं, पॉसिबल है कि कुछ एरर्स एंड फ्रॉड्स अनडिटेक्टेड रह जाएं। तीसरा, कई बार स्टाफ मेंबर क्या होते हैं, केयरलेस होते हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि ऑडिटर क्या कर लेगा, सब ट्रांजेक्शन तो वो चेक करने वाला है नहीं, तो वो क्या हो जाता है, केयरलेस बन जाता है, कि वो हर एक ट्रांजेक्शन चेक नहीं करता, इसकी वजह से वो क्या बन जाता है, केयरलेस बन जाता है। और लास्ट में, डज नॉट रिलीव द ऑडिटर फ्रॉम इट्स लायबिलिटीज। मैंने अभी आपको समझाया था डेफिनेशन के टाइम में भी कि ऑडिटर लास्ट में ही एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि क्योंकि मैंने टेस्ट चेकिंग किया था इसकी वजह से कुछ एरर्स एंड फ्रॉड्स अनडिटेक्टेड रह गए। तो अनडिटेक्टेड रह गए, उसकी लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी, ऑडिटर के ही आएगी। तो इसका मतलब टेस्ट चेकिंग की वजह से उसकी, ऑडिटर की लायबिलिटी कम नहीं हो जाती। ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ टेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा टेस्ट चेकिंग क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है। ऑफ कोर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट चेकिंग, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर आपको भी लगता है कि मेरे वीडियोस आपके काम आ रहे हैं, एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बस काफ़ी है मेरे लिए। थैंक यू।